नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ बिहार के पटना की एक गलियों में, पटना सिटी जिसे बोलते हैं, और मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे दर्शनीय स्थल पे जा रहा हूँ हमारे वीडियो। दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के लिए पटना जंक्शन से, पटना रेलवे स्टेशन से आप गुलजार बाग की तरफ, चिड़ियाटाड़ पुल होते हुए, कुम्हरार होते हुए गुलजार बाग की तरफ आ सकते हैं। गुलजार बाग से आपको सीधा आपको ये पटना सिटी निकल जाएगा, और पटना सिटी में आपको यह जगह आपको देखने को मिलेगा। तो यह जगह आपको देख करके पता चलेगा कि मैं अभी कहाँ पर आया हूँ वीडियो में। तो अभी मैं हूँ पटना साहिब गुरुद्वारा, तो अभी मैं गुरुद्वारा घूमने आया हूँ, और अभी मैं अंदर जाके पूरा गुरुद्वारा को एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों जैसे ही गुरुद्वारा के गेट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी हैंडकरचीफ और क्लोथ्स वगैरह मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परंपरागत तरीके से अंदर जाना चाहिए, ये गुरुद्वारा है। और हम लोग अभी यहाँ पे रहे जो सर पे ढककर अंदर एंट्री करेंगे, ऐसे बिना सर को ढके एंट्री नहीं करना चाहिए। तो चलिए अंदर चल के आपको पूरा एक्सप्लोर करके आपको पूरा अंदर का व्यू दिखाते हैं, और एक बार आप बाहर से इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, मन को मोहित कर देने वाला यह दृश्य है एकदम। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अपना जूता चप्पल को जैसे ही आप गेट से एंट्री करते हो तो अपना जूता चप्पल यहाँ पे उतार दें, और एक टोकन दिया जाएगा आपको, वो टोकन अपने पास रखें जूता चप्पल उतार के। अगर आपको प्यास लगी हो तो यहाँ पे पीने का व्यवस्था भी है, पानी पी सकते हैं आप, यहाँ पे हाथ वगैरह धो सकते हैं। और यहाँ पे पैर धोने का भी सिस्टम है, आप पैर धो करके अंदर जाएं, बिना पैर धोए अंदर नहीं जाएं, क्योंकि यह एक पवित्र स्थल है और पवित्र स्थल में ऐसा ही नहीं जाया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक तरह से यहाँ पे पैर धोने का बना हुआ है। एक्चुअली क्या है कि मैं लाइफ में पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ लेकिन कभी आया नहीं था, मैं गेट के पास से चला जाता था। तो आज मैं इसके अंदर पहली बार आया हूँ, इस गुरुद्वारे के अंदर। दोस्तों इसके पीछे एक इतिहास जुड़ा हुआ है, वो इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ कोई दर्शनीय स्थल, कोई ऐतिहासिक स्थल पे, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। और ये खूबसूरती देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये, मैं अभी वहाँ से एंट्री किया था यहाँ से अभी। और ये छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर, मैं मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। पटना के पटना साहिब शहर में स्थित सिख आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है यह। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 शनिवार को 1:20 पर माता गुजरी के गर्भ से हुआ था। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। यहाँ दोस्तों अब इसके इतिहास के बारे में जानें, तो यह स्थान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान तथा गुरु नानक देव के साथ ही गुरु तेग बहादुर सिंह की पवित्र यात्राओं से जुड़ा हुआ है। आनंदपुर जाने से पूर्व गुरु गोविंद सिंह के प्रारंभिक वर्ष यहीं व्यतीत हुए थे। यह गुरुद्वारा सिखों के 5 पवित्र तख्त में से एक है। भारत और पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे की तरह इस गुरुद्वारे को भी महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। यह गुरुद्वारा जो अभी आप सामने देख रहे हैं, यह गुरुद्वारा श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब बिहार के पटना शहर में स्थित है। श्री तेग बहादुर सिंह साहिब जी यहां बंगाल व असम की फेरी के दौरान आए। कहा जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी यहां बंगाल व असम की फेरी के दौरान आए थे। गुरु साहिब यहाँ सासाराम और गया होते हुए आए थे। उनके साथ माता गुजरी जी और मामा कृपाल दास जी भी थे। दोस्तों वो अपने परिवार को यहाँ छोड़कर गुरु साहिब जी आगे चले गए। यह जो जगह देख रहे हैं, यह श्री सली सराय जौहरी का घर था पहले। इतिहास के मुताबिक बताया जाता है कि श्री सली सराय जौहरी श्री गुरु नानक देव जी का भक्त था। श्री गुरु नानक देव जी भी यहाँ श्री सली सराय जौहरी के घर आए थे। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जब असम फेरी पर चले जाने के बाद गोविंद राय जी का जन्म माता गुजरी जी के कोख से हुआ। जब गुरु साहिब को यहाँ खबर मिली तब गुरु साहिब असम में थे। बाल गोविंद राय जी यहाँ 6 साल की आयु तक रहे। बहुत संगत बाल गोविंद राय जी के दर्शनों के लिए यहाँ आती थी।
माता गुजरी जी का कुआं आज भी यहाँ पे मौजूद है जो देखा जा सकता है। जितना मैंने देखा उतना से लगा कि बहुत आनंद आया और बहुत ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मतलब है, बता नहीं सकते इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है कलर से बहुत अच्छा। मेरे पीछे देख सकते कुछ कबूतर है और ये लगा कि आना ज़रूरी होता है जब भी आप गुरुद्वारा में आते हो। और मेरे पीछे ये देख सकते इसके अंदर एक्चुअली मैं अभी जा रहा था तो फोटो और सेल्फी लेने से मना था, इधर इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको कैमरा से सेल्फी बनाना मना नहीं बना सकते आप। करीब करीब मैं 50% एक्सप्लोर कर चुका हूँ, 50% अभी और है, अंदर जाकर के आप लोग को दिखाता हूँ, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अगर गुरुद्वारा के अंदर आते हो तो आपको लंगर खिलाया जाता है और लंगर का खिलाने का जो टाइमिंग है कब कब है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आगे आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमको कहाँ कहाँ जाना चाहिए और हमारे वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपने पूरा वीडियो का आनंद लिया और अभी मैं पटना साहिब गुरुद्वारा के अंदर था और लंगर भी खाने में बहुत मज़ा आ गया। यहाँ पे 11:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक लंगर खिलाया जाता है, 11:30 से 4 बजे तक है और फिर उसके बाद सिर्फ 7 बजे से खिलाया जाएगा, 7 बजे शाम से लेकर के रात भर आपको लंगर यहाँ पे खिलाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नए किसी जगह के साथ। तो चलिए, थोड़ा सा नर्वस हो गया, पता नहीं क्यों इतना वीडियो बनाता हूँ फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ये बराबर पीछे देखिए मेरा नजारा है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई का कर दीजिएगा। हाँ कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा।